हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो TSR की अपनी वैकेंसी आई थी 2019 में, जिनके फॉर्म भरे गए थे 9 मार्च से स्टार्ट हुए थे फॉर्म 9 मार्च 2019 से, और लास्ट डेट थी उनकी 8 जून 2019, मतलब मार्च अप्रैल मई जून, अप्रैल मई और जून, तो ये 3 महीने का आपको टाइम मिला था। ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे और दोस्तों ये मेल एंड फीमेल सबके लिए वैकेंसी थी। इसमें 10% रिजर्व थी फीमेल के लिए आउटसाइड स्टेट के लिए, और 2% एक्स सर्विस मैन के भी रिजर्व थी जो इनसाइड स्टेट कोटा है उसके अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका एडमिट कार्ड अभी आने की उम्मीद नहीं है, शायद नवंबर और दिसंबर में एडमिट कार्ड आने की उम्मीद है। तो इस वीडियो का मेरे बनाने का मकसद यही है कि मैं आपके अंदर थोड़ा मोटिवेट कर दूं आपको, तो आप निराश ना हो, एडमिट कार्ड आपके आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये 99 क्या 101% आपके एडमिट कार्ड आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। इसकी वजह से आपको सबको बताया, सारी भर्तियाँ अभी पेंडिंग चल रही हैं, कारण सिर्फ COVID-19 की वजह से। तो सिर्फ मैं आपको मोटिवेट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता दूँ आपके लिए थोड़ा दिमाग में ताज़ा हो जाएगी कि आप सिलेक्शन प्रोसेस है सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूँ, टोटल वैकेंसी 2 स्टेट की थी, जो त्रिपुरा के लिए थी ओनली, वो टोटल वैकेंसी थी 1013 वैकेंसी। आप देख पा रहे हैं जैसे टोटल 1013 वैकेंसी सिर्फ त्रिपुरा स्टेट वालों के लिए थी, जिसमें त्रिपुरा स्टेट वालों के लिए जर्नल अनरिजर्व कैटेगरी 365 365 वैकेंसी, ST के लिए 418 और SC की वहाँ पर 230 वैकेंसी थी। तो टोटल करके ये बनती है 1013 वैकेंसी त्रिपुरा स्टेट के लिए, GD की वैकेंसी ओनली जर्नल ड्यूटी। और उसके बाद त्रिपुरा स्टेट के लिए ट्रेड्समैन की वैकेंसी अलग से थी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कुक की 8 वैकेंसी SC में, ST की 15 वैकेंसी थी और अनरिजर्व की 13 वैकेंसी। टोटल कुक की वैकेंसी थी 36। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं वाटर कैरियर की कितनी थी, बार्बर की कितनी, धोबी की, स्वीपर की। तो टोटल SC की ट्रेड्समैन में ये आप देख सकते हैं 23 थी, ST की 43 एंड 39 अनरिजर्व। टोटल वैकेंसी ट्रेड्समैन में त्रिपुरा वालों भाइयों के लिए 105 थी। उसके बाद आते हैं जो अदर स्टाइल आउटसाइड स्टेट कोटा, इसके अंदर टोटल 337 वैकेंसी थी, जो कि त्रिपुरा से अन्य राज्यों के, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जो भी राज्य बच गए उनसे, उनके लिए 337 वैकेंसी थी, 337 टोटल थी। और मैं बता दूं, जो आउटसाइड स्टेट के बंदे होते हैं, जो दूसरे राज्य के बंदे होते हैं, जो भाई, वो सारे अनरिजर्व में कैटेगरी में आप आते हैं, और उन भाइयों के लिए, आउटसाइड वालों भाइयों के लिए, आउटसाइड स्टेट कोटा वालों भाइयों के लिए 33 वैकेंसी ट्रेड्समैन में थी। तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दें गाइस, किन भाइयों ने ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रखा है और किन भाइयों ने GD के लिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे, थोड़ी बहुत हेल्पफुल है भाई, कुछ जानकारी हमें सही लग रही है या कुछ भी गलत लग रही है, अगर आपको सही लगे तो लाइक कर देना। और अगर आपको TSR से संबंधित सारी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं आप, 2% एक्स सर्विस मैन के लिए भी रिजर्व थी वैकेंसियाँ, जो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों स्टेट के लिए, और 10% थी फीमेल्स के लिए। और इसके अंदर मैं अब आपको बता दूं, आउटसाइड स्टेट वालों का फिजिकल कहाँ पे होगा? सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फिजिकल ही होगा, और आउटसाइड स्टेट वाले जो त्रिपुरा राज्य के नहीं हैं, उनका फिजिकल मैं आपको बता दूं, उनका फिजिकल, उन भाइयों का और उन बहनों का फिजिकल यहाँ पे होगा, AD नगर पुलिस ग्राउंड अगरतला वेस्ट त्रिपुरा में। और रिटन टेस्ट
सभी का, त्रिपुरा हो चाहे आउटसाइड स्टेट हो, उनका होगा KTDSPTA नरसिंहगढ़ अगरतला वेस्ट त्रिपुरा के अंदर। तो ये रिटर्न टेस्ट के आपको डिटेल्स हैं। एज मैं आपको बता दूं, कुछ भाई ऐसे सोच रहे हैं कि उनकी एज तो अब 18 से 23 से 23 से ज़्यादा हो गई है, तो अगर आपने फॉर्म भरते वक्त आपकी एज 23 नहीं थी, 23 से कम ही थी, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेक्शन शुरू होगा या आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आप इस भर्ती के लिए मान्य होंगे, तो ऐसे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको बता दूं मैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या थी, जीडी के लिए आप सबको, जीडी के लिए 10वीं पास, 10th पास होना चाहिए था। और ट्रेड्समैन के लिए, जिन भाइयों के लिए ट्रेड्समैन में अप्लाई कर रखे हैं और उनके पास टू वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है, तो भाई अपना बनवा लो, कहीं पे भी बन जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, इसमें 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ITI मांग रखी है, जिन जो ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किया था उनके लिए ITI ज़रूरी है। और उसके बाद मैं हाइट बता देता हूँ आपको, अनरिजर्व जो आउटसाइड स्टेट कोटा के हैं और SC कैंडिडेट्स, उनके लिए 170 हाइट, और फीमेल के लिए 157 हाइट जो अदर स्टेट्स हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट, हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, सेवन सिस्टर्स बोलते हैं जिन्हें, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा 172 पॉइंट कितना सेंटीमीटर होगा और 152 पॉइंट फीमेल का कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर कोई भाई, किसी भाई को नहीं पता कितना सेंटीमीटर होगा हमारी हाइट, 5 2 5 3 कितनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और उसके बाद आपका फिजिकल आ जाते हैं। फिजिकल में मैं आपको बता दूं, 30 नंबर का फिजिकल होगा, 30 नंबर का, जिसमें आपकी 5 किलोमीटर की रेस होगी 24 मिनट में। सबसे पहले आपकी फिजिकल ही होगा, आपने फिजिकल की कंटिन्यू तैयारी रखे और रिटर्न की भी तैयारी करते रहें। उसके बाद फीमेल की होती है 1.6 किलोमीटर रेस 8.5 मिनट में। और आपको पता है आपका 60 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ये चैप्टर रिटर्न की ज़्यादा है, इसमें तैयारी करने की, इसमें हार्ड नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो हार्ड पेपर नहीं आएगा, सिंपल ही पेपर आएगा। तो आप फिजिकल की ज़रूर तैयारी रखिए, आप डेली सुबह शाम, नहीं तो सुबह आप डेली एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉक करें 3 4 किलोमीटर, तो इससे आपकी फिजिकल मेंटेलिटी बनी रहेगी। और 10 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू है। तो गाइस यही बताना था, अगर आपको कोई भी इसमें हेल्प चाहिए या आपको कोई भी आपका क्वेश्चन है तो लास्ट में कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे पता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी, ये सिर्फ मैंने आपको मोटिवेशन के लिए बनाई है वीडियो। कोई भाई ने सोचे नकली झूठ बोल रहा है एडमिट कार्ड नवंबर दिसंबर, भाई नवंबर दिसंबर में शायद आ सकते हैं, श्योर नहीं हूँ, ना ही कोई उनका, मैंने उनकी वेबसाइट पे खूब सर्च किया है, ना ही कोई उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, ओनली मेल आईडी मिल रही है। मैंने मेल कर रखा है कि भाई कब TSR का फिजिकल लोगे, तो मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर किसी भाई के पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो हमारे त्रिपुरा वाले भाई कृपया जवाब दें। सो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप शेयर करनी थी गाइस, लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।